ऑल इंडिया यूनियन एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल गोरखपुर के बैनर तले बीएसएनएल के सभी अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन की राह पर 18 फरवरी से 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में राजेश प्रताप मल ने बताया कि सरकार द्वारा बीएसएनएल को कमजोर करने व कर्मचारियों की जायज मांगों का निराकरण न कर वायदा खिलाफी की गई, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। इसके विरोध में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सभी एग्जीक्यूटिव व नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन ने 18 फरवरी से 20 फरवरी तक 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राजेश प्रताप मल ने कहा, राजेश प्रताप मल, मैं संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का जिला सचिव हूं। ये प्रेस वार्ता सरकार की कुछ ढुलमुल और गलत नीतियों के वजह से हमारी बीएसएनएल की दिन प्रतिदिन दुर्दशा जो होती जा रही है उसी के खिलाफ में है। जैसे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारा कवरेज है और हम हर विपत्ति में जितने भी इस देश के ऊपर आपदा आई है उसमें बीएसएनएल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें 4G के स्पेक्ट्रम नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों को 4G के स्पेक्ट्रम काफ़ी पहले दे दिया गया है और हमें नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ में एक चैरिटी के रूप में हम काम करते आए हैं, हमेशा बीएसएनएल जो है देश सेवा की भावना से काम की है, उसके बावजूद भी हमें 3rd PRC अभी तक पे रिवीजन नहीं मिला है। साथ में कुछ पे रिवीजन हुआ, उस पे रिवीजन का अभी तक पूरा लाभ कुछ इम्प्लाइयों को नहीं मिला है। 2nd PRC का भी अभी लेफ्ट आउट है। हमारे जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो पेंशन का कंट्रीब्यूशन हमसे सरकार मैक्सिमम टॉलरेंस पे ले रही है। जैसे अगर बेसिक किसी का 2000 से 4000 है और 2500 पे रिटायर हो जाता है तो उसको 2500 पे न लेकर के 4000 पे पेंशन कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार लेती है उससे, जो कि गलत है, हमसे अधिक ले रही है। जब ये BSNL बना तो गवर्नमेंट का आश्वासन था कि वो इस BSNL को किसी भी हालत में सर्वाइव कराएगी, चलाएगी, अगर फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ेगी तो देगी, परंतु वो इस बातों से मुकर चुके हैं और गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है इस चीज़ में। और हमारे जितनी भी संपत्तियां हैं जिसमें BSNL आज सर्वाइव कर रही है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, वो भी हमें हैंडओवर सही तरीके से नहीं किया गया है। आज भी वो किसी न किसी दूसरे के नाम पे पड़ा हुआ है जिसमें हमारी सरकार आनाकानी कर रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BSNL के सारे एसोसिएशन और सारे यूनियन ग्रुप सी, क्लास 1 क्लास 2 सारे एग्जीक्यूटिव और कर्मचारी 18 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे। ये हड़ताल 3 दिवसीय है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाएंगे, परिवार सहित चलेंगे। और इस हड़ताल से अगर सरकार नहीं चेती तो हम सब परिवार रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे 1,70,000 इम्प्लाई हैं पूरे ऑल इंडिया में। ये सारे इम्प्लाइयों की रोजी रोटी पे हमला हो गया एक तरह से सरकार का। इस हड़ताल में मैं उम्मीद करता हूँ इस देश की जनता, आप सभी जो लोकतंत्र के प्रेस के जो भी हमारे मीडिया भाई बंधु हैं वो एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में होते हैं, और आप जो है इसको हमारा साथ देंगे और आप सभी इस हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।